फिल्म इंडस्ट्री में एक बार फिर शोक की लहर दौड़ गई है। जाने माने फिल्म मेकर राजकुमार कोहली का निधन हो गया है। 93 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। रिपोर्ट्स की माने तो आज यानी कि 24 नवंबर को सुबह करीब 8 बजे दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। वो एक्टर और बिग बॉस फेम अरमान कोहली के पिता थे। अरमान के करीबी दोस्त विजय ग्रोवर ने इस खबर की पुष्टि की है और बताया कि राजकुमार कोहली का अंतिम संस्कार आज शाम को किया जाएगा। बताया जा रहा है कि राजकुमार कोहली सुबह नहाने के लिए बाथरूम में गए थे, लेकिन जब वो काफी देर तक बाहर नहीं आए तो उनके बेटे अरमान कोहली दरवाजा तोड़कर अंदर गए, जहां उनके पिता बेसुध पड़े मिले। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि राजकुमार कोहली ने फिल्म इंडस्ट्री को कई सारी बेहतरीन फिल्में दी हैं। उन्होंने साल 1966 में आई दुल्ला भट्टी, साल 1970 में आई लुटेरा, नागिन, जानी दुश्मन, बदले की आग, नौकर बीबी का और राज तिलक जैसी कई फिल्में बनाई हैं, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर धमाल किया है। लेकिन 93 साल की उम्र में वो दुनिया को अलविदा कहकर अब हमेशा हमेशा के लिए चले गए हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। फिलहाल हमारे इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।